हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैंने ESICSSO का प्रीलिम्स का मॉक नंबर 3 दिया है। और जैसे कि मैंने आपसे नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में कहा था कि इस बारी मैं 70s में स्कोर लाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो देखिए, 76.25 मेरा स्कोर है, रैंक 14, परसेंटाइल 96, एक्यूरेसी है 91%। तो इंग्लिश में 29 में से 7 रॉन्ग है, और रीजनिंग में 29 किए, क्वांट में 27 किए, तो इसमें नेगेटिव कोई भी नहीं था। 85 अटेम्प्ट थे, 7 रॉन्ग इंग्लिश के, 78 आए, उसमें से फिर नेगेटिव मार्किंग हो गए 76.25। तो ये था इसमें मेरा स्कोर। और ये वाला जो मॉक था ना, ये मुझे इसकी रीजनिंग और क्वांट, मुझे स्टार्टिंग के जो दो मॉक थे उनसे इजी लगे थे, और शायद इसी वजह से इसमें मेरी एक्यूरेसी सही रही है। तो चलिए, अब मैं देखती हूँ सोल्यूशन, मैंने इंग्लिश में आखिर रॉन्ग किया क्या है। तो बस ये जल्दी से हो जाए फैचअप। ये वाले रॉन्ग हो गए आज मेरे। इसमें ना 4 वर्ड्स थे, और बताना था इसमें से कौन सा जो वर्ड है ये इनअप्रोप्रिएट है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो डेनिग्नेशन का मीनिंग मुझे नहीं पता था। ये वाले भी रॉन्ग हो गए, ये वाला भी, एक कॉम्प्रिहेंशन का ये वाला। और इसमें तो खैर रीजिंग में और क्वांट में तो कुछ भी नेगेटिव नहीं हुआ था, और ये तो फिर मुझे अब एनालाइज करने की ज़रूरत है नहीं। तो बस इंग्लिश में जो रॉन्ग हुए हैं, अब मैं उन्हें देखती हूँ, उन सेंटेंसेस को कहाँ पर क्या मिस्टेक की है। तो जब मैं फोर्थ वाला मॉक दूंगी ना, उसके मार्क्स फिर से शेयर करूँगी, और देखते हैं इस बार 80s में लाने की पूरी कोशिश रहेगी। चलिए, बाय बाय।